नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। इन दिनों बिहार की हवा काफी ज्यादा जहरीली हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पनपने लगी है और परेशान करने लगी है। आपको बता दें कि लगातार बिहार की हवा जो है जहरीली होती जा रही है और बिहार में सबसे ज्यादा खराब और बिहार में सबसे ज्यादा जो हवा जो जहरीली हुई है वो मोतिहारी की है। आपको बता दें कि मोतिहारी में EQI लेवल जो है 450 के पार जा चुका है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की बीमारियां होने का डर भी है, जैसे आंख से संबंधित बीमारियां और हृदय से संबंधित बीमारियां जो है लोगों को परेशान करने वाली है। तो इस विषय में जो है वहां के डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, आप उन्हें सुने। मोतिहारी बहुत छोटा शहर था पहले और बहुत हॉलीडे होम टाइप का जगह था, और यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। 30-40 हज़ार की आबादी वाला शहर था, जो कि 10 लाख से अब कुछ दिन में 15 लाख का हो जाएगा। दूसरा, पहले मोतिहारी में केवल 1-2 कॉलेज थे जिस पर पढ़ाई होती थी। अब क्या है कि हजारों के हजार संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट है और हजारों बच्चे आके पढ़ते हैं अच्छे अच्छे स्कूल में। पढ़ाई पर लोगों का ध्यान गया है, तो लोगों ने क्या किया है कि शहर में आके गांव के ज़मीन को बेच के 6 दूर 7 दूर में घर बना लिया है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लिया है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पेइंग गेस्ट के तरह से लोग रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं यहाँ और अपनी या जॉब करते हैं बैंक में या कहीं भी। तो एक तो ये है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दूसरा, ये समझ लेना, टेकन फॉर ग्रांटेड कि नहीं, मोतिहारी का जो हवा है बहुत साफ है, तो इस गलत फहमी में हम लोग 5 साल से जी रहे थे और अचानक जो है सो 450 AQI। आप सोचिए कि संसार का सबसे प्रदूषित शहर ये है, लाहौर वर्ल्ड में सबसे प्रदूषित है, वहाँ भी 420 या 424 वहाँ का पाकिस्तान का लाहौर जो है सो प्रदूषित शहर में गिनती होती है। अब आइए, यहाँ हर घर में गाड़ी है, हर घर में व्हीकल है, हर घर में मोपेड है, और इन सब से ज़्यादा जो थ्री व्हीलर है, और थ्री व्हीलर बिना छत का जिसमें कोई नंबर नहीं होता है, जो ढोता है छड़ को, जो ढोड़ता है सीमेंट को, ओपन में ढोया जाता है। दूसरा, जितने भी गाड़ी जो आती हैं बाहर से बालू और गिट्टी की, वो उसको आने का टाइम फिक्स होना चाहिए कि वो रात में आए, है ना, या एकदम सुबह है। ये लोग दिन भर टाउन में पैसा दे के एंट्री करता है। वायु पोल्यूशन से किस किस प्रकार का खतरा लोगों को हो सकता है? सबसे बड़ा खतरा है कि जितना छोटा बच्चा है जो सब स्कूल जाता है वो मास्क लगा के नहीं जाता है, और मास्क यदि लगाता भी है तो उसको हटा देता है। जो जन मजदूर है जो काम करते हैं खेत में, वो उनको टावल यदि बांध के अपना काम नहीं करेंगे। दूसरा, तीसरा, जो पेशेंट है ऑलरेडी ब्रोंकाइटिस के, क्योंकि पहले बीड़ी बहुत चलती थी, अब बीड़ी नहीं बिकता है लेकिन सिगरेट बिकता है, तो बिना सिगरेट पिए, बिना बीड़ी पिए, बिना गुड़गुड़ी पिए ही आप उससे ज़्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोक्साइड, आप ओजोन और हर तरह मीथेन, है ना, तो हर तरह के जहरीले गैस को आप सूंघ रहे हैं। तो पहला तो वायु का प्रदूषण या जो गाड़ी का प्रदूषण चेक नहीं होता है। दूसरा, जितना भी ट्रक है वो उसका एंट्री जो है सो बाहर होना चाहिए, शहर के बाहर। तीसरा, जो यहाँ काम करता है म्यूनिसपैलिटी, ये चीज़ शो करता है कि ये म्यूनिसपैलिटी 10 साल से सोई हुई है। इस 10 साल में यदि उन्होंने कूड़ा को नहीं जलाया बाहर से, जो फैक्ट्री बनी हुई है कूड़ा जलाने के लिए, वहाँ कूड़ा लेके नहीं जाते हैं, वहाँ पर सारा गंदगी को लेके नहीं जाते हैं, और हमको लगता है कि सारा जो सैटेलाइट झील है अपना चंपारण का, मोती झील की बात हम नहीं कर रहे हैं, चिलबनिया भी है, पिपरा कोठी में भी झील है, ये सब झील एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इन सब के मुहाने पर घर बना देना और इसको चोक किस, कर देना, किस प्रकार की बीमारी हो सकती है लोगों को? इसलिए पर्टिकुलेट मैटर जो है, जो पहले जमीन में धंस जाता था या जो यहाँ रह जाता था, वो अब ऊपर हवा को बढ़ने नहीं देता है। ऊपर में O3 का लेयर है, ओजोन का लेयर है, इसलिए वायुमंडल से बाहर नहीं जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो बीमारी होगी वो श्वास की बीमारी होगी, और श्वास की बीमारी TB से भी ये ख़राब होगी, क्योंकि ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ टाइप का हजार्ड होगा और इसमें सांस की नलियाँ सिकुड़ जाएंगी। जैसे कोविड के बाद आपने देखा कि जो जिनको कोविड हुआ था, यदि बहुत दिन तक उनको निमोनिया हो गया तो उनको अभी भी चलने में सांस में दिक्कत होती है। तो लोगों को मास्क लगा के रहना चाहिए, मास्क उसका एक ही एकमात्र बचाव है, मास्क।
और दूसरा है कि हर छोटे छोटे काम में भी अब जाते हैं तो अपना बाइक ना निकालें, अपनी गाड़ी ना निकालें। और 32 सिस्टम, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट हर 50 मीटर पर यहाँ लगाना पड़ेगा टाउन में, यदि टाउन के लोग देखिए जो EQI जो मोतिहारी में इतना बढ़ रही है ये अच्छी चीज़ें नहीं है। वो हमारे लिए या हमारे मैं जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ तो इससे बच्चों को लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। इसके बचाव के लिए हमें और पुलिस विभाग, प्रदूषण विभाग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें मैंने बच्चों को EQI से बढ़ने से बच्चों को एलर्जी जैसे बीमारी, इन्फेक्शन, ब्रोंकियो आस्थमा, इस तरह की कुछ डिजीज होती है जिस इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, सांस की नली में सूजन टाइप की हो जाती है। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा बाद में दिक्कत होती है। इसके बचाव के लिए चाहिए गार्जियन को, बच्चे के मदर फादर को, उसको मास्क लगा कर बच्चे निकले उस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके सुरक्षा के लिए चाहिए कि कभी बच्चा कोई हमारे घर से बाहर जा रहा है मास्क लगा कर जाए। और जिस तरह से EQI बढ़ रही है वो अच्छी चीज़ें नहीं मोतिहारी की। तो आपने इन डॉक्टरों को सुना जिन्होंने बताया कि इस पॉल्यूशन की वजह से लोगों को कई तरह की समस्याएं होंगी, जैसे माइग्रेन और आँख से जुड़ी भी समस्याएं हो सकती है, साथ ही साथ हृदय से जुड़ी समस्याएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। आपको बता दें कि ये प्रदूषण के बढ़ते स्तर जो है लगातार ट्रैफिक को लेकर भी बताया जा रहा है और कई तरह से इस विषय में कार्रवाई भी की जा रही है हालांकि प्रशासन की तरफ से, लेकिन फिर भी जो है लगातार मोतिहारी का हवा जहरीली होती जा रही है जिसकी वजह से लोगों को अब बीमारियों का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में लोगों को सांस फूलने की बीमारी, खांसी की बीमारी, स्किन बीमारी और खासकर हृदय रोग से जूझ रहे मरीजों के लिए ज़्यादा खतरा बन गया है। मोतिहारी के डॉक्टर भी इसको लेकर चिंतित है और लोगों को आगाह कर रहे हैं कि ताकि प्रदूषण से होने वाली ये खतरनाक बीमारियों से वो बच सके और अपने स्तर से वो प्रयास कर सके। और आपको बता दें कि लगातार अगर आप इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं तो अगर बाहर जाएं तो मास्क पहन के ही जाएं ताकि आप इन हवा से बच सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।